स्वच्छता अभियान को लेकर डीएवी सेक्टर 12 बोकारो इस्पात पब्लिक स्कूल के द्वारा स्कूली बच्चों ने स्वच्छता जागरूकता अभियान निकाला। बच्चों ने कहा कि संकल्प है हमारा, स्वच्छ रहे भारत हमारा। इस अभियान के तहत डीएवी सेक्टर 12 के प्रचार योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि विद्यालय के साथ साथ आसपास के जगहों को भी स्वच्छ रखें, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि खुद स्वस्थ रहें और अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखें। नमस्कार सर, हमारा विद्यालय डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल सेक्टर 12E जो कि डीएवी और इस्पात संयंत्र बोकारो स्टील लिमिटेड का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, आज दिनांक 19/9/2024 को हम लोगों ने स्वच्छता भारत अभियान के तहत हम लोगों ने आज एक छोटी सी रैली निकाली थी ताकि हम लोग स्वयं अपने विद्यालय परिसर को तो स्वच्छ रखे ही रखें, साथ ही साथ हम लोग अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागृत कर पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना देश को विकसित देश बनाना है और इसमें जो अगर सबसे बड़ी कोई बाधा आ रही है तो वो है कचरे का, वेस्ट डिस्पोजल का। तो हम लोग अच्छे तरीके से अपने सारे परिवेश को, विद्यालय को, आस पड़ोस को स्वच्छ रखें। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जामताड़ा में रांची क्लस्टर का कला उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें इंडियन आइडल फेम के प्लेबैक सिंगर रजत आनंद भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन जामताड़ा डीसी कुमुद साह, इंडियन आइडल फेम के प्लेबैक सिंगर रजत आनंद, प्राचार्य डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस उत्सव में रांची क्लस्टर के 25 विद्यालय के प्रतिभागियों ने शिरकत की। टिप्स यही रहेगी कि वो कहीं से भी हों वो रियाज ज़रूर करें, क्योंकि रियाज के बिना, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, मैं इससे पहले इसी महीने में 3 और 4 तारीख को मैं यहाँ पे वर्कशॉप के लिए आया था संगीत नाटक अकेडमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमओ के तरफ से, और मैंने यहाँ सच में देखा कि खास करके इस स्कूल में जो मुझे मिला, जिन बच्चों को गाने सीखने में, एक भजन गाने में कई दिन लग जाते हैं, वो 2 घंटे के वर्कशॉप में उन्होंने सीख लिया। तो ये यही शो करता है कि यहाँ के बच्चे सच में बहुत टैलेंटेड हैं, और प्रतिभा सच में जगह भी नहीं देखती और ना ही उम्र देखती है, ना ही कुछ भी ऐसा देखा जाता है, वो बस अपनी प्रैक्टिस, अपनी लगन देखी जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कला उत्सव है जिसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें राज्य के 25 विद्यालय पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, बच्चों ने, इवन टीचर्स ने बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी और बच्चों ने पेंटिंग बनाया हुआ है, स्कल्पचर के माध्यम से तरह तरह के फिगर बनाए हुए हैं जो आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जामताड़ा में रांची क्लस्टर के लिए कला उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है 2024-25 के लिए। वर्ष में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है और हमारा विद्यालय केंद्र बना है रांची क्लस्टर का, जिसमें 25 विद्यालय शरीक हो रहे हैं और सभी के पार्टिसिपेंट्स, उनके मार्गदर्शक शिक्षकों के साथ जो कि म्यूजिक और कला के शिक्षक हैं, वो भी आए हुए हैं। प्रिंडा जोड़ा पुलिस ने एसपी पूज्य प्रकाश के इंटेलिजेंस इनपुट पर सिटी थाना क्षेत्र के दुंदी बाग स्थित कबाड़ी गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, लोहा व केबल स्क्रैप बरामद किया है। मौके पर से संचालक व स्टाफ समेत कबाड़ी संचालक को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि सूचना मिली थी कि पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के बांध गोड़ा साइड केबी ब्लॉक के मेहरा टोला में लगे BSNL एवं रिलायंस जियो टावर में कुछ चोर केबल काट रहे हैं, जहां पुलिस ने छापेमारी की, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने 2 अपराधी अमन बास्की, राहुल ताती को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने बबलू कुमार नामक कबाड़ी संचालक के यहां छापेमारी कर चोरी के सामान को बरामद करते हुए गिरफ्तार किया। पिंडा जोड़ा थाना अंतर्गत बांधगोड़ा साइड बी ब्लॉक के मेहरा टोला में जियो और BSNL के टावर पर कुछ लोग चोरी कर रहे हैं और प्राप्त सूचना के आधार पर पिंडा जोड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया और तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना किया गया। घटनास्थल पर एक स्कूटी बाइक मिला और चोर भाग गए थे। उस स्कूटी बाइक के आधार पर 2 चोरों की शिनाख्त की गई है, एक का नाम अमन बास्की है और एक का नाम राहुल ताती है।
और ये लोग जो केबल तार चोरी किए थे, क्योंकि उसमें महंगा कॉपर वायर यूज़ होता है, उस कॉपर वायर को ये लोग बेचने के लिए बबलू नामक एक कबाड़ी वाला के पास गए और उसके आधार पर बबलू को भी गिरफ्तार किया गया। कुल 3 इसमें गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 4 बंडल अलमुनियम